iPhone 5C disassembly, screen pratisthapan aur maramat yadi aap ek buri tarah se phata screen ki jagah le rahe hain. To shuru karne se pehle chipchipa tape mein ise cover, sabse pehle apne phone ko band kar dete hain aur aapke sim hatane upkaran thakelne mein chhed niche parikrama se sim tray ko hata dein. Aap sim hatane upkaran ki zarurat nahi hai. तो एक क्लिप की तरह कुछ का उपयोग करें अगले दो पेंटालोब शिखा हटाने के लिए नीचे की परिक्रमा की अब स्क्रीन के नीचे के निकट एक क्वेश्चन के लिए नीचे के रूप में दिखाया गया है अपनी स्क्रीन टूट रहा है तो कोशिश करते हैं और एक ऐसा क्षेत्र है जो क्षतिग्रस्त नहीं है में सेक्शन कप जगह है लेकिन ध्यान रखें कि स्क्रीन के नीचे हटाने के अंत में शुरू करने की जरूरत है सेक्शन कप ऊपर खींचो और आपके रूप में आप नीचे चित्र स्क्रीन के किनारे के तहत एक प्लास्टिक के उपकरण की बढ़त पाने के लिए अनुमति देने के लिए पर्याप्त स्क्रीन उठाने चाहिए स्क्रीन के दोनों नीचे कोनों अपलीवर स्क्रीन ऊपर उठा और आप एक धातु चार शिकंजा द्वारा जगह में आयोजित कवर देखेंगे नीचा शिकंजा के एक करीबी ऊपर है धातु कवर ईएमआई ढाल के साथ साथ इन शिकंजा निकाले यकीन शिकंजा एक ही स्थिति में वैसे विशेष रूप से शीर्ष सही पेंच है जो गैर चुंबकीय हटा दिया गया है हमें वापस जाना सुनिश्चित करें अब आप तीन रिबन स्क्रीन करने के लिए लॉगिन केबलों के लिए उपयोग किया है केवल दो पहली बार में दिखाई दे रहे हैं इन तारों में से हर एक प्लग और सॉकेट कनेक्शन की तरह है इसलिए प्रत्येक अपलीवर सर्किट के नीचे संकेत क्रम में केबल काट तब आप फोन के बाकी हिस्सों से दूर स्क्रीन उठा सकती है नीचे आप स्क्रीन देख सकते हैं फोन के बाकी हिस्सों से अलग कर दिया आप स्क्रीन जगह ले रहे हैं लेकिन अपने नए स्क्रीन होम बटन कान वक्ता फ्रंट फेसिंग कैमरा या निकटता सेंसर के साथ नहीं आती है तो आप उन्हें अपने पुराने स्क्रीन से दूर करने के लिए की आवश्यकता होगी होम बटन संपर्क निकालने के लिए दो शिकंजा नीचे परिक्रमा तो दूर धातु हिस्सा है और घर बटन संपर्क किसके साथ आना चाहिए उठाव हटाने के द्वारा शुरू करते हैं संपर्क मजबूती से जगह में फंस रहता है यह ताकत नहीं है लेकिन चिपकने वाला जगह तो इसे फिर से हटाने की कोशिश में भाग पकड़े नरम करने के लिए एक गर्म हवा बंदूक या हेयरड्रायर से कुछ गर्मी लागू होते हैं घर बटन सर्व करें शुल्क है होम बटन को दूर करने के लिए यह बिंदु से नीचे तीर द्वारा संकेत के माध्यम से धक्का होम बटन मुक्त नहीं आता है तो चिपकने वाला जगह में हिस्सा पकड़े नरम करने के लिए एक गर्म हवा बंदूक या हेयरड्रायर से कुछ गर्मी लागू होते हैं के रूप में नीचे दिखाया गया घर बटन अब स्वतंत्र है कान वक्ता को निकालने के लिए दो शिकंजा नीचे परिक्रमा तो दूर धातु कवर और कान वक्ता उठा हटा दें कान वक्ता अब स्वतंत्र है धातु वापस वाली को दूर करने के लिए छह शिकंजा आप नीचे देख सकते हैं परिक्रमा को हटा दें छह शिकंजा अब हटा दिया गया है फ्रंट फेसिंग कैमरा और निकटता सेंसर के लिए फ्लेक्स रिबन केबल नीचे परिक्रमा कर रहे हैं फ्रंट कैमरा और निकटता सेंसर का सामना करना पड़ के लिए फ्लेक्स रिबन केबल को अलग करने के लिए पहली बार एक गर्म हवा बंदूक या लगभग 30 सेकंड के लिए है जो चिपकने वाला है यह जगह में पकड़े नरम होगी साथ कुछ गर्मी लागू होते हैं तो ध्यान से उठाने के लिए एक प्लास्टिक उपकरण का उपयोग केबल मुक्त बिंदु से नीचे तीर द्वारा संकेत दिया सावधान रहो के रूप में इस केबल आसानी से क्षतिग्रस्त है धातु की थाली वापस स्क्रीन के पीछे से दूर उठा फ्रंट कैमरा और निकटता सेंसर का सामना करना पड़ अभी भी जोड़ा जाएगा लेकिन अगर आप इस भाग को दूर करना चाहते हैं बस तीर द्वारा संकेत काला स्टिकर वापस छील फ्रंट फेसिंग कैमरा और निकटता सेंसर अब स्वतंत्र हैं, आप केवल स्क्रीन को बदलना चाहते हैं तो आप गाइड का पालन करने के लिए किसी भी आगे बस अपने नए स्क्रीन करने के लिए भागों पुनः अनलगन और दोबारा जोड़ना के लिए पूरी प्रक्रिया को उलटने की जरूरत नहीं है आप इस डिसअसेंबली गाइड उपयोगी पाया गया है
formimobile.co.uk का स्थान और उपकरणों और भागों आप हमारी साइट से जरूरत आदेश कृपया हम दुनिया भर में शिप करते हैं। अपने आईफोन 5C की पूरी डिसअसेंबली के लिए गाइड के आराम के बाद जारी रखें बैटरी डिस्कनेक्ट करने के लिए। पहले दो शिकंजा नीचे परिक्रमा को हटाने और धातु आवरण दूर उठा अब केबल नीचे संकेत काट इस केबल एक प्लग और सॉकेट कनेक्शन की तरह है तो इसे लीवर सर्किट बोर्ड से दूर बैटरी के नीचे पर दो चिपकने वाला स्ट्रिप्स द्वारा जगह में आयोजित किया जाता है चिपकने वाला स्ट्रिप्स एक पुल टैब नीचे का शराबी ने संकेत दिया है निकालने के लिए बैटरी को दूर करने के लिए पहले मध्य जहां तीर नीचे इंगित करता है मैं पुल टैब काटा फिर आप बैटरी के बाईं ओर और सही पक्ष के लिए एक पुल टैब होगा धीरे धीरे छोड़ पुल टैब खींचने के लिए और चिपकने वाली पट्टी के रूप में फैला है तो आप हमेशा एक छोटे टुकड़े खींच रहे हैं अपनी पकड़ का समायोजन रखने के लिए अभी लंबा केबल खिंचाव है यह तस्वीर होगी और बैटरी फंस जाएगा चिपकने वाली पट्टी बैटरी की पूरी लंबाई चलाता है तो यह चिपकने वाली पट्टी निकालने में कुछ समय और धैर्य रखना होगा जब तक यह पूरी तरह से मुक्त है तो दूसरे के लिए भी ऐसा ही धीरे धीरे चिपकने वाली पट्टी खींच रखें।